जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। दोस्तों आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं गूगल पिक्सल 8a को लेके। जी हाँ दोस्तों, गूगल ने अपना नया स्मार्टफोन गूगल पिक्सल 8a लॉन्च किया है, जो कि काफी ज्यादा इसकी प्राइस है 53,000 के आसपास इसकी प्राइस आती है। और इस बार इसमें बेजल्स बहुत बड़ी बड़ी देखने को मिलती है। कलर की बात करूँ तो ये ग्रीन कलर में आता है, और डिजाइन की बात करूँ तो छोटा फोन है, राउंड डिजाइन के साथ में आता है, प्लास्टिक बैक आता है और एल्युमिनियम का फ्रेम आता है। साथ में इसमें प्रोटेक्शन की बात करूँ तो गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन दी गई है। मतलब इतना 53,000 का फोन है, गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन, अपन 20,000 का फोन लेते हैं उसमें 5 की प्रोटेक्शन आती है, चलो कोई बात नहीं। और इस फोन का जो वजन है दोस्तों वो है 189 ग्राम। पोर्ट्स और बटन की बात करूँ तो डुअल स्पीकर ग्रिल आता है नीचे की साइड में, और बीच में यूएसबी टाइप सी पोर्ट आता है जो है UFS 3.2। लेफ्ट साइड में अपन को नीचे की साइड में सिम कार्ड ट्रे देखने को मिल जाता है, जहाँ पर ई सिम और एक फिजिकल सिम लगा सकते हो। ऊपर की साइड में अपन को नॉइस कैंसिलेशन माइक मिल जाता है, पावर ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, नीचे की साइड में वॉल्यूम रोकर मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे बेजल्स अपन को बहुत ही बड़ी देखने को मिलती है, और यहाँ पे जो डिस्प्ले है वो बहुत ही अच्छी है। 6.1 इंच का फुल HD प्लस 120Hz एमोलेड डिस्प्ले आता है, जो 2000 nits की पीक बैटने के साथ में आता है। नेटफ्लिक्स, डॉल्बी एटमॉस, ऑलमोस्ट सारे सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 7 साल के सॉफ्टवेयर अपने देखने को मिलते हैं। क्लीन UI के साथ में आता है, ऑल AI के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफी अच्छी बात है। और एकदम बिल्कुल नो एड्स आपको देखने को मिलेंगे गूगल के फोन के अंदर। प्रोसेसर की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे टीसोन का G3 4nm पर बेस प्रोसेसर मिलता है, जिसका अंतत स्कोर 1 मिलियन के ऊपर आता है। 2 वेरियंट में ये स्मार्टफोन आता है, 8GB RAM 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में, और दूसरा आता है 8GB RAM 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में। रैम टाइप है वो है LPDDR5X RAM, और स्टोरेज टाइप है UFS 3.1। 7 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट दे रहे हो तो इस प्राइस के हिसाब से 53,000 के हिसाब से UFS 4.0 यहाँ पे देना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। गेमिंग की बात करूँ तो हाईएस्ट सेटिंग पे आप आराम से गेम खेल पाओगे, लेकिन डिस्प्ले थोड़ा छोटा है तो आपको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। बैटरी की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 4,492 mAh की बैटरी मिलती है। नॉर्मल सा चार्जर मिलता है 18 वाट का, जो कि 10,000 के फोन में भी मिल जाता है। वो 7.5 वाट का वायरलेस चार्जर को सपोर्ट करता है, मतलब क्या ही कर रहे हो गूगल वालों। कनेक्टिविटी की बात करूँ तो 18 5G बैंड का सपोर्ट आता है, लेकिन मैं आपको बता दूँ लास्ट टाइम में जो गूगल पिक्सल 7a आया था, 5G के जो सपोर्ट थे वो प्रॉपर अपने इंडिया में काम नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम आई थी, बहुत सारे इशू आए थे। इस बार इसको टेस्ट करना पड़ेगा कि इसमें 18 जो 5G बैंड है अपने इंडिया में सपोर्ट करते हैं या नहीं। 4G VoLTE आता है, Wi-Fi 6 आता है, Bluetooth 5.3 आता है, NFC का सपोर्ट आता है। साथ में दोस्तों IP57 का सर्टिफिकेशन आता है, Wi-Fi LAN का सपोर्ट आता है, सिंगल सिम में आप यूज कर पाओगे और एक ई सिम। कैमरा की बात करूँ तो दोस्तों गूगल का फोन है बिल्कुल बेहतरीन लेवल का कैमरा यहाँ पे लेके आता है। 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आता है, जो कि 4K में 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, एकदम स्टेबल वीडियो निकल के सामने आती है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल मिलता है, यहाँ से भी आप 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। साथ में 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप 4K में 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑल AI के फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, बर्बर के सारे फीचर्स यहाँ पे AI के दिए गए हैं। दोस्तों इस फोन में दो ही चीज एकदम मुझे एकदम बिल्कुल बढ़िया लगी है, एक तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम, साथ में इसका कैमरा। दो फोन के लिए ये फोन आप कंसिडर कर सकते हो, और मेरा मानना है यदि अच्छा ही फोन लेना है तो दोस्तों 25 से 30,000 रुपए में इससे भी बेहतरीन स्मार्टफोन आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट अच्छे हैं, एक तो कैमरा है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सारे पॉइंट यहाँ पे डिसलाइक वाले हैं। यदि आप 25 से 30,000 के स्मार्टफोन लेते हो तो हो सकता है एक दो पॉइंट आपको डिसलाइक में मिले, बल्कि 99% आपको प्लस वाले पॉइंट मिलेंगे। तो दोस्तों ये स्मार्टफोन 53,000 रुपये का आता है, और 4,000 का यहाँ पे बैंक ऑफर है, एक्सचेंज ऑफर है, वो मिला के आपके 45,000 के आसपास पड़ जाता है। एक्सचेंज वगैरह नहीं करते हो तो आपके ये 48,000 का पड़ेगा। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना यह गूगल पिक्सल 8a आपको कैसा लगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।